अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल एमबीएसबी। अच्छा, आज का टॉपिक है ब्रीडिंग बॉक्स के लिहाज से। ब्रीडिंग बॉक्स कब लगाए थे? कुछ लोग मुझे कॉल भी करके मैसेजेस भी आए, और आप सबका बेहद शुक्रिया है कि आप मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसी ये करें कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और उसके उसमें ये होगा कि वो मेरे लिए भी अच्छा फायदेमंद होगा और आपको भी अच्छी अच्छी टिप्स में दिया दूंगा। ब्रीडिंग बॉक्स आपने तब लगाने हैं जब आपको खुद फील हो कि यार मेरे जो शेड का टेम्परेचर है, मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ उसका टेम्परेचर, और जब मैं बाइक कहीं जा रहा हूँ, किसी काम जा रहा हूँ, और वहां का टेम्परेचर सेम है, तब आप बॉक्स लगा दें। जबकि बॉक्स लगाने का सबसे अच्छा मंथ वो है सितंबर के मिड में बॉक्स लगाए जाते हैं। मैं खुद सितंबर के मिड में बॉक्स लगा देता हूँ। उसमें ये होता है कि आपके जो टेम्परेचर है ना वो कंट्रोल हो जाता है, ये जो हफ्ते महीने ना वो निकल जाते हैं। हफ्ते महीने में बॉक्स लगाने का फायदा कोई नहीं है, उससे आपकी बर्ड की जो हेल्थ है ना वो खराब हो जाती है। उसमें आपको ब्रीड तो आ जाएगी, ब्रीड आने का मकसद ये नहीं है कि आप अंडे ले लो, बच्चे आ जाए। उसमें ये होगा कि कुछ आपके पास डेड इन सेल भी आएंगे। डेड इन सेल का मतलब ये है कि अगर बर्ड ने चार एक ले किए हैं, उसमें से दो डेड इन सेल हो जाए और दो सर्वाइव कर जाए, तो उसका फायदा कोई नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि आप टाइमली लगाएं बॉक्स, और उसमें ये होगा कि आपके पास अगर चार अंडे हैं या पांच अंडे हैं वो प्रॉपर पूरे 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 सर्वाइव करें, ये ना होगा डेड इन सेल में आए। ठीक है, बॉक्स मेरे पास भी बड़े नहीं, लेकिन मैंने बॉक्स अभी तक बिल्कुल भी नहीं लगाई है। मैंने साफ करके नीट एंड क्लीन करके रखे हुए हैं। बॉक्स मैं तब लगाऊंगा कि जब मुझे खुद फील होगा कि हाँ यार मुझे खुद गर्मी नहीं लग रही। सितंबर में आप बॉक्स लगाएं, उसमें ये होगा कि आपके लिए भी इजी रहेगा और आपके बर्ड की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा, मैंने आपको एक चीज ये भी बतानी थी कि अभी देखिए मैं अपने शेड में खड़ा हूँ, बाइक का मौसम ठीक है, हवा नहीं चल रही, हब्स है, हब्स में ये देखिए मुझे खुद पसीना आया हुआ। पसीने में ये होता है कि आप खुद भी इरिटेट होते हैं, अगर आप बर्ड के लिए बॉक्स लगा देंगे तो वो बर्ड भी इरिटेट होगा। अब ये आप सारे बर्ड देखे मेरे, ये बिल्कुल एक्टिव है, इनमें कोई मसला नहीं, कोई बर्ड हाँप नहीं रहा, बिल्कुल एक्टिव बैठे हैं सारे, टोटल बर्ड एक्टिव बैठे हैं, लेकिन मैंने इनको बॉक्स नहीं दिया। बॉक्स ना देने की वजह ये है कि मेरे बर्ड हेल्दी रहे, अगर मैं इनको जाती नहीं करूंगा तो वो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे बर्ड एक्सपायर नहीं होंगे, मेरे बर्ड की हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो ज्यादा कोशिश ये करें कि बॉक्स आप तब लगाएं जब आपका वेदर का वेदर ठीक रहे, वेदर इफेक्ट आपको खुद फील होगी कि आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल है। अब ये आप मेरे शहर के टेम्परेचर में देखें, ये 34 है, 34.9 है शहर का टेम्परेचर, और ह्यूमिडिटी 17 आ रही है। जब आपके शहर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो, आपने ब्रीडिंग बॉक्स तब लगाना है। ठीक है, आप ये छोटी सी छोटी ये चीजें जरा ध्यान में रखेंगे, इसके लिए आपके लिए भी फायदा और आपके बर्ड के लिए भी फायदा है। कोशिश करें कि आप इसको बॉक्स तब देगा। इसके साथ ही मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, अब तक के लिए इजाजत दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।